गन्ना गंगा, हाँ गन्ना गन्ना गंगा यात्रा। अब वो बेचारे जब देखिए यहाँ के लोग उनको बुलाते नहीं है, केंद्र में उनको बड़े नेता का दर्जा मिल गया है, तो वो बेचारे करेंगे तो करेंगे क्या, उनको ये यहाँ के लोग चाहते नहीं कि वो चुनाव भी लड़े ना लड़े, क्या करें कैसे करें, तो वो अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को किस प्रकार से राज्य में बनाए रखें। तो इस प्रकार का जब राज्य में कांग्रेस के द्वारा उन्हें कार्यक्रमों में न बुलाया जाना, उपेक्षा होना, उनको कार्यक्रमों से दूर रखना, तो उनको लगता है कि अपनी आइडेंटिटी राज्य में बनी रहे, तो वो इस प्रकार का एक वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। वो भी जानते हैं सच्चाई क्या है। आपकी बात पूरे उत्तराखंड में वो घूमेंगे कहेंगे। ये हरीश रावत जी अपने पार्टी के नेताओं को कंफ्यूज्ड कर रहे हैं और उन्होंने उनका हमेशा दोहरा व्यवहार रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं मैं हरिद्वार से भी लड़ सकता हूँ, मैं नैनीताल से भी लड़ सकता हूँ। तो वहाँ वो मौसमी की पार्टी करते हैं, खट्टे नींबू की और चटनी की पार्टी करते हैं, यहाँ वो गन्ना की यात्रा कर रहे हैं। तो हरीश रावत जी की जो यात्राएं हैं वो इनकी इंटरनल जो इन फाइटिंग है उसको दिखाती है। किसानों को बड़ी राहत।